दोस्तों, आपने एसर ब्रांड का नाम तो सुना ही होगा, जो काफी कम प्राइस में कम आपको ज्यादा स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड करती है। तो हम बात करेंगे इस वीडियो में एसर के लैपटॉप के बारे में, जिसका नाम है एसर एस्पायर 5। तो ये लैपटॉप मैं बहुत ही जल्दी परचेस करने वाला हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा ये लैपटॉप, क्योंकि आपको कम दाम में ज्यादा स्पेक्स उसमें देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक करके वो लैपटॉप आपको अवेलेबल होगा काफी सारे, जो कह सकते हैं काफी सारे वेरिएंट में। तो एक एक करके सारे वेरिएंट्स की हम इसमें डिस्कशन करेंगे कि कौन सा वेरिएंट आपको कितने प्राइस में और किस स्पेक्स में आपको बेहतर पड़ेगा। तो अगर आप हैवी यूजर है गेमर से, या फिर आप बिजनेस प्रोफेशनली आप उसे यूज करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, तो कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही पड़ेगा, उसके बारे में पूरी बात करेंगे इस वीडियो में। उसके लिए आपको देखना होगा पूरा वीडियो स्टार्ट से लेके एंड तक। मैं नावेद और आप देख रहे हैं टेकी टेक चैनल, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मुझे कौन सा वेरिएंट पसंद आया। तो मुझे पसंद आया वेरिएंट जो है, काफी वेबसाइट्स पे वो अवेलेबल है, पर बहुत ही जल्द जैसे वो स्टॉक में आता है वो हो जाता है आउट ऑफ स्टॉक। तो बहुत ही मुश्किल हुई मुझे वो परचेस करने में। तो मैंने अभी तक परचेस नहीं किया है, पर बहुत ही जल्द परचेस करने वाला हूँ। और वो ई कॉमर्स साइट का नाम है पेटीएम। तो मुझे काफी अच्छा प्राइस पड़ा है पेटीएम पर, जो है 42,000 का, और वो वर्जन है बहुत ही अच्छा है। आपको बताऊंगा उसके बारे में पूरे इस वीडियो में ही बताने वाला हूँ, तो उसके लिए पूरा वीडियो देखें आप। और तो उसके बाद जो वेरिएंट्स आपको अवेलेबल है उसके बारे में बता दूं, तो आपको 4GB रैम में वो वेरिएंट जो है वो अवेलेबल है, 8GB रैम में अवेलेबल है, और आपको 1TB स्टोरेज आपको और 2TB स्टोरेज में जो है वो अवेलेबल है। तो पेटीएम पे काफी अच्छा आपको डिस्काउंट मिलेगा, कैशबैक मिलेगा, पर पेटीएम पर जो लैपटॉप है वो बहुत ही जल्द आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। मैं पिछले बार 3-4 दिन पहले कुछ वो देखा था, मैंने स्टॉक में था जो मुझे पसंद आया था वेरिएंट, पर कुछ ही देर बाद वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। और आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद बहुत ही लेट, मतलब 4 दिन लग गए उसको स्टॉक में आने के लिए। जैसे वो स्टॉक में आया फिर से वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। मतलब आप सोच सकते हैं कितना यूजर्स कितना खरीद रहे, उसे कितना परचेज कर रहे, उस लैपटॉप को यूजर्स को कितना पसंद आ रहा है वो वाला वेरिएंट। तो बात करते हैं उस वेरिएंट की, तो उसमें आपको i5 मिलेगा, कोर i5 इंटेल का, और 8th जनरेशन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, कोर i5 8th जनरेशन, जो काफी अच्छा है। और उसकी प्राइस 42 आपको 43 तक आपको उसमें पड़ सकती है पेटीएम पर। मैं काफी ज्यादा ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पेटीएम की बात कर रहा हूँ। तो आपको फ्लिपकार्ट पर भी वो अवेलेबल है, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है, पर उसमें जो प्राइस है आपको कुछ ज्यादा ही बढ़ाकर मिलेगा, और पेटीएम पर आपको काफी कम प्राइस में वो जो है अवेलेबल होगा वेरिएंट। तो उसके बाद बात करते हैं उसमें 8GB का रैम आपको DDR4 अवेलेबल होगा, जो काफी बेहतर लगा मुझे, और 1TB का आपको स्टोरेज जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो DDR4, अगर उसमें DDR3 दे देता सारे लैपटॉप में उस प्राइस रेंज के, जितने भी लैपटॉप है सब में DDR3 दिया गया है, तो काफी अच्छा नहीं होता वो लैपटॉप पर। आपको लेटेस्ट DDR5 और DDR4 उसमें देखने को मिल जाएगा। और जो हाईलाइट है उस लैपटॉप की वो है उसका ग्राफिक कार्ड। तो मुझे गेम खेलना बहुत पसंद है लैपटॉप में, या फिर जो भी जो कह सकते हैं गैजेट्स में गेम खेलना बहुत पसंद है। तो मुझे उसका जो ग्राफिक कार्ड है वो काफी पसंद आया, क्योंकि उसमें आपको मिलेगा एनवीडिया जीफोर्स MX150, जो लेटेस्ट है एमएक्स वाले सीरीज में, जो लेटेस्ट है सबसे ज्यादा वाला ग्राफिक कार्ड है वो है। तो आप अगर ये लैपटॉप परचेस कर लिए इस ग्राफिक कार्ड से, तो आपको GTA 5 तो बहुत ही स्मूथली आपको उसमें चलता हुआ दिखाई देगा, जो बहुत ही बेहतर है। उसके बाद बात करते हैं उसके जो जो मुझे वेरिएंट पसंद आया, उसमें आपको बैकलाइट कीबोर्ड जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा कीबोर्ड में, और उसका जो डिस्प्ले है वो 15.6 इंच का आपको डिस्प्ले मिलेगा फुली HD। तो उसमें दूसरे वेरिएंट में आपको HD वाला डिस्प्ले भी अवेलेबल है, और बिना बैकलाइट कीबोर्ड भी अवेलेबल है, पर मुझे वो पसंद नहीं आया, क्योंकि बैकलाइट कीबोर्ड ज्यादा बेहतर होगा मेरे लिए, और जो फुल HD डिस्प्ले आपको जो बहुत ही अच्छा रहेगा, उसका जो रिजोल्यूशन है वो काफी अच्छा है, आपको जो पिक्सल्स क्वालिटी है वो काफी बेहतर मिलेगी उस लैपटॉप की कंपैरिजन में। तो ये लैपटॉप आपको अवेलेबल होगा 43 पर पेटीएम पर, और आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन पर। मेरे हिसाब से इस टाइम पे जो मैं वीडियो निकाला हूँ, इस टाइम पे तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है पेटीएम पर, और मैं इंतजार कर रहा हूँ वो कब स्टॉक में आएगा।
बाकी स्पेक्स की बात करें तो आपको एनवीडिया का MX150 और DDR5 जो लेटेस्ट वाला है वो आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, और आपको उसमें 240 तक आपको उसमें जो मॉनिटर है वो आपको रोटेशन जो है लैपटॉप वो है देखने को मिल जाएगा, जो काफ़ी बेहतर है आपको लेनोवो आइडिया पैड जो उसकी टक्कर का है, पर उसमें 130 mx दिया गया है इसलिए मुझे वो पसंद नहीं आया, पर उसमें आपको 180 का ही दिया गया था रोटेशन, लेकिन एसर एस्पायर 5 में आपको 240 तक का रोटेशन आपको उसमें देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी बेहतर है। और दूसरे स्पेक्स की बात करें तो ऑप्टिकल ड्राइव आपको उसमें नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप उसमें सीडी ड्राइव नहीं लगा सकते। मुझे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लगी है क्योंकि आप एक एक्सटर्नल सीडी ड्राइव भी लेकर उसमें अटैच जो है वो कर सकते हैं, तो ये इतनी भी बड़ी इशू नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। तो आप जो एक एक्सटर्नल लेके भी कुछ 800 या 900 का आपको पड़ेगा वो ई कॉमर्स साइट्स पर वो आप परचेज कर उसमें अटैच कर सकते हैं, और उसमें आपको गीगाहर्ट्ज जो होगा वो 2.3 से लेकर 3.1 तक टर्बो बूस्ट आपको अवेलेबल होगा, जो आप कह सकते हैं कि 2.1 से लेकर 2.3 से लेकर 3.1 तक आपको जो है गीगाहर्ट्ज आपके परफॉर्मेंस के ऊपर जा सकता है, जो काफ़ी बेहतर है आपको अगर गेम खेलना है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखे उसमें एसर एस्पायर 5 पर, वो जो वेरियंट मैं लेने वाला हूँ उसके बारे में, तो उसमें आपको गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर मिलने वाली है, आप ज़्यादा से ज़्यादा गेम चला सकते हैं 40-50 fps पर, GTA 5 में 45-55 fps पर चलता है, तो बहुत ही अच्छा उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिला। और उसमें एक इशू है जो है वो हीटिंग प्रॉब्लम, आपको 80 डिग्री सेल्सियस तक आपको वो हीट हो सकता है, और ये मेरे हिसाब से तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है क्योंकि गेमिंग पे तो आप इतना हीट होता ही है, कोई भी डिवाइस आप यूज़ करें गेमिंग करें हैवी गेमिंग, अगर आप GTA 5 जैसा गेम चला रहे जो 65 GB का है तो आपको गेमिंग इशू तो हीटिंग इशू तो उसमें देखने को मिल जाएगा, काफ़ी सारे गैजेट्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तो मेरे लिए सब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। और उसके बाकी स्पेक्स की बात करें तो आपको मैंने काफ़ी वीडियो देखा उसके हीटिंग इशू पर, तो आपको 80 अगर आप कम स्पेस का गेम खेलते हैं तो आपको उसमें ज़्यादा हीटिंग नहीं होंगी 65-75, और अगर आप GTA 5 या बड़े बड़े गेम खेलते हैं तो आपको 80 या 85 तक जा सकता है हीटिंग प्रॉब्लम, जो काफ़ी एवरेज है। अगर आपको 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हीटिंग प्रॉब्लम गया तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन ये 90 के ऊपर ज़्यादातर तो नहीं जाता है, तो अच्छा ही आप कह सकते हैं इसे। बाकी स्पेक्स की बात करें तो लैपटॉप की बात करें तो मैकबुक में आपको 12 आवर्स की जो बैटरी लाइफ वो दी जाती है, पर आपको इसमें 12 आवर्स की तो नहीं मिलती है क्योंकि प्राइस भी कम है, तो बैटरी लाइफ जाहिर सी बात है कम ही होगी, तो आपको इसमें 7 आवर्स की जो बैटरी लाइफ है वो आपको प्रोवाइड की गई है, जो आपको डेली यूजेज पर आपको देंगी 5-6 आवर्स का आप उसमें जो है लाइट यूसेज कर सकते हैं। अगर आप हैवी गेम्स खेल रहे तो आपको उसमें 2.5-3 घंटा आपको उसमें जो है वो देखने को मिल जाएगा बैटरी लाइफ, तो 4 सेल की आपको उसमें बैटरी जो है वो प्रोवाइड की गई है, और आपको 2.5-3 घंटा आप उसमें गेमिंग कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा गेमिंग करना चाहते तो आप चार्जिंग प्लग जो है वो अटैच करके रखें अपने लैपटॉप से, तो ये ज़्यादा बड़ा कुछ बैटरी लाइफ तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि डेली यूजेज ज़्यादा गेमिंग तो नहीं होती है इतनी, पर डेली यूजेज ज़्यादा होता है, वीडियो एडिटिंग होती है यूट्यूब की और ये सारी चीज़ें होती है, तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा जो है वो दिया गया है बैटरी लाइफ। और बात करें वीडियो, अगर आप एक यूट्यूबर है आप वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं सोनी विजर्स प्रो या फिर एडोब आफ्टर इफेक्ट्स सीसी 2015 ये सब चलाना चाहते हैं तो बहुत ही चलाइए, बिल्कुल चलाइए, बहुत ही स्मूथली वो आपको रन होता हुआ दिखाई देगा एसर एस्पायर 5 में। और बाकी उसके वेरियंट्स की बात करें तो आपको 130 mx का भी वेरियंट अवेलेबल है, 4 GB रैम का भी अवेलेबल है वेरियंट, और काफ़ी वेरिएंट अवेलेबल बिना बैकलाइट कीबोर्ड बैकलाइट के आपको वेरिएंट अवेलेबल है, HD डिस्प्ले में अवेलेबल है, और ज़्यादा फ़र्क नहीं है कुछ प्राइस में ऊपर नीचे है, पर ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं एसर एस्पायर तो मैं जो वेरिएंट बता रहा हूँ वो लीजिए, जो पेटीएम पे अवेलेबल है 43 पर, इस वक्त तो वो आउट ऑफ स्टॉक है पर बहुत ही जल्द शायद वो स्टॉक में आ जाए तो आप वो परचेज कर सकते हैं, 43 का है, और आप
जो बैकलाइट वाला है आप उसमें जो हाईलाइट्स है वो देखिए, उसमें बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया है आपको, जो फुली HD डिस्प्ले दिया गया है, फुल HD FHD डिस्प्ले दिया गया है, और 8GB रैम, 1TB इंटरनल स्टोरेज, एनवीडिया 150 दिया गया है उसमें, MX150, और जो i5 है 8th जनरेशन आपको उसमें दिया गया है प्रोसेसर, और ये सारी चीज़ें आप देखकर लीजिए। और आपको इस लैपटॉप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल को। और मैं बहुत ही जल्द वो लैपटॉप परचेस करने वाला हूँ, और उस लैपटॉप की सारी डिटेल्स और फुल रिव्यू, हैंड्स ऑन सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है, कुछ किसी दूसरे चैनल पर नहीं मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल को जो सब्सक्राइब करना ना भूले, और जो उसका गेमिंग परफॉर्मेंस भी मैं आपको बताऊंगा, हीटिंग इशू भी बताऊंगा, हीटिंग कितना होता है वो गेमिंग करते टाइम, और सारी चीज़ें आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए टेकी टेक चैनल।